कोरोना वायरस के चलते देश भर में है लॉकडाउन और इस दौरान मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद हैं। ऐसे में टीवी स्टार हुनर हेले गांधी कर रही हैं गुरुद्वारा को बेहद मिस। लेकिन उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिए घर में ही किस तरह से कर रही हैं पूजा पाठ, प्रार्थना, इबादत, आइए आपको दिखाते हैं। पहली चीज जो मैं बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, दैट इज गोइंग टू द गुरुद्वारा, वहाँ पे इंडल्जिंग इन टू लंगर, कड़ा प्रसाद, डूइंग सेवा, सिटिंग इन साथ संगत, ये सब चीजें जो मुझे सुकून देती थी वो मुझे सच में अभी बहुत 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 ज्यादा याद आ रही है। I understand that worship is something that you can do from home as well. आठ पूजा घर पे रहके भी हो सकती है, लेकिन जब हम किसी भी religious place में जाते हैं तो वहाँ जाके जो सुकून हमें महसूस होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। अपनी normal ज़िंदगी में जब हम materialistic चीज़ों में इतने ज़्यादा busy रहते हैं और जब हम थोड़े से खोए खोए से feel करते हैं तो वो जो सबसे पहली चीज़ होती है जहाँ हम जाते हैं, that is a religious place. जहाँ जाके हमें थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। इस लॉकडाउन के दौरान एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़े से दूर हुए हैं, जहाँ एक तरफ वी ऑल आर इंक्लाइनिंग आर सेल्फ्स टुवर्ड्स गॉडलीनेस, ऑल्सो दूसरी तरफ हमें वो सारी एसेंशियल टीचिंग्स दैट वी यूज़ टू लर्न व्हेन वी यूज़ टू गो टू द गुरुद्वारा, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी हमारी लाइफ में, उसका हमें अब एहसास हो रहा है जब हमें वहाँ जाने को नहीं मिल रहा है। तो अब हमें फील हो रहा है कि उसका क्या महत्व था हमारी ज़िंदगी में, उससे हम क्या फील करते थे। एज अ ह्यूमन वी आर वेरी सोशल पर्सन, सो जब लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से हम थोड़े से दूर हो जाते हैं ना और वो हमें महसूस करने का मौका नहीं मिलता है, तो हम थोड़े से ऐसे अजीब से फील करने शुरू हो जाते हैं। लाइक यू नो, इफ यू आर लेफ्ट अलोन और लोनली, देन वी डू टेंड टू फील लेफ्ट आउट, राइट? स्मॉल थिंग्स सच एज यू नो ब्रीदिंग फ्रेश एयर, सच एज गोइंग एंड स्पेंडिंग अ टाइम इन नेचर, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसका हमने एहसास तब नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, जो अब हो रहा है जब हम इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। गोइंग टू अ गुरुद्वारा, गोइंग टू चर्च, मस्जिद, मंदिर, जो भी जहाँ पे भी आपकी मान्यता है वहाँ पे जाके जो सुकून जो आपको महसूस होता था, जो अब वहाँ नहीं जा पा रहे हो आप, तो ऑफकोर्स इस लॉकडाउन के ज़रिए ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हमें इसका महत्व पता चला है अपनी ज़िंदगी में। तो उन सभी लम्हों में इंडल्ज करते हुए आई gave my ode to feeling the Gurudwara homesick and recited a shabad. I'm sure आप सब लोग जो कि मेरी तरह फील कर रहे होंगे वो इसके साथ रिलेट करेंगे। जी हाँ, देखिए कैसे हेली अपने घर में ही पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ कर रही हैं प्रार्थना। तो देखा आपने टीवी स्टार हुनर हेले गांधी ने किस तरह से घर बैठकर ही गुरु जी का अरदास लगा रही हैं और सभी को दे रही हैं ये मैसेज कि दुआ प्रार्थना हाथ जोड़ के अरदास, ना भुलाई ना भुलाने दवी, घर बैठे तू कर फरियाद।